भोजपुर में डॉक्टरों के साथ जबरन मारपीट के मामले में जिले के सभी सरकारी डॉक्टरों ने पीड़ित डॉक्टर के समर्थन में आकर जिलाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिले के सभी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को अनिश्चितकालीन समय तक ठप करते हुए कहा कि जिले में प्राइवेट क्लिनिकों को भी बंद करने का ऐलान किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इसी कड़ी में एक बड़ी घटना घट गई है, जिसमें हड़ताल के दौरान इलाज के अभाव में एक महिला मरीज की मौत हो गई। भोजपुर जिले में फिलहाल हड़ताल के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। थी उसका तबीयत खराब था, डिलीवरी हुआ है, उसका डिलीवरी हुआ, उसके बाद ये थी बोला लोग कि ले जाइए पटना, अभी कुछ देर मैंने उसका हड़ताल हुआ था। किस दिन डिलीवरी हुआ था? शनिचर को। शनिवार आज इलाज के दौरान मौत हो गई है? आज हुआ, सुबह आधा घंटा हुआ। कहाँ से लेकर आ रहे आप लोग? चनवा से लेकर आ रहे हैं। किया गया आईएमए द्वारा? देखिए अभी आईएमए और भाषा दोनों का यही फैसला है कि ओपी यहाँ सदर अस्पताल पूर्ण रूप से इवन इमरजेंसी तक बाधित रहेगा। आप लोग की जानकारी होगी कि यहाँ के डीएम साहब किस तरह बेरहमी से तीन हमारे चिकित्सकों को लाठी डंडा से पीटा है। कहीं ये किसी कानून में नहीं है कि एक गजेटेड अफसर को इस तरह से ये किया जाए, और वो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे, उनको जो नहीं भी ड्यूटी पर थे उनको डेरा से भी खिंचवा कर पीटा है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी इस चीजों को आम जनताओं के बीच में ले जाइए। इस घटना से गुस्साए डॉक्टरों ने आरा सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया और सारे घटना का कोपभाजन का शिकार सदर अस्पताल में तैनात अधीक्षक को होना पड़ा। जिलाधिकारी के इस रवैये से सदर अस्पताल में चिकित्सकों के बीच काफी रोष देखने को मिला। इमरजेंसी बाधित है? अरे मैं क्या कर रहे? नहीं नहीं बाधित, अभी तो हम लोगों ने बात जस्ट हम लोग आए थे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बात करने के लिए, अभी चल ही रही वार्ता, चल रही इवेंट नहीं हुआ अभी। अभी एक मरीज के भी मरने की खबर है, अभी सूचना मुझे नहीं हुई है, अभी देख रहे हैं। वार्ता विफल रही है सफल? अभी अभी तो अभी चल ही रही वार्ता, चल रही है अभी, अभी क्या होता है उनका डिसीजन हम लोग देख रहे हैं। सर इमरजेंसी ओपीडी सारा बंद है? नहीं, उसी को खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है ना, उसी बात चल रही है अभी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कड़ी में यदि महिला मरीज की मौत हो गई है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिरकार महिला की मौत की किसकी जवाबदेही होगी? पंजाब केसरी टीवी के लिए भोजपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट।